नमस्कार दोस्तों, आज ये इस कीबोर्ड का माइक्रो एसडी कार्ड जो कंपनी ने दिया है, ये छोटा सा एक माइक्रो एसडी चिप होता है। इसमें मेमोरी और डाटा सारा स्टोरेज होता है जो कीबोर्ड के अंदर लगता है। इसको कैसे लगाना है इसको ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले इसका मैनुअल पढ़ लेना है, मैनुअल में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और इसको शुरू करते ये कहाँ लगता है, ये पीछे की ओर, यहाँ पे ये एक स्लॉट है, यहाँ पे एक इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको लगाएंगे। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको ध्यान पूर्वक, यहाँ एक छोटा सा गोल पेच है, इसको खोल देना है। और लगाने के पहले रीड ऑल यूजर मैनुअल बिफोर ओपनिंग। सबसे पहले ये इसका पावर प्लग है, ये पावर प्लग जो लाइन देता है इसको निकाल देना है, बिजली से कनेक्शन हटा देना है। उसके बाद इसको ये माइक्रो एसडी कार्ड को इस तरह, ये इसका अंदर ऊपर वाला हिस्सा है जो अंदर जाएगा, इसका टॉप में रखना है। टॉप में रखने के बाद इसको यहाँ पे ये बैटरी है, इसका कीबोर्ड का बैटरी लगता है जो डाटा के लिए चाहिए होता है। और इसके अंदर एक स्लॉट है छोटा सा, इसमें ऐसे लगाना है और इसको ये पुश कर देना है, एक कट सा आवाज आएगा, ये अंदर फिक्स हो जाता है। अगर इसको निकालना है तो फिर इसी को दोबारा ऐसे हम प्रेस करेंगे तो ये बाहर फेंक देता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। फिर दोबारा हम इसको लगाने के लिए इसी में ध्यान से डालना है कि कहीं छूट गया तो नीचे कीबोर्ड के अंदर चला जाएगा। एक बार चेक कर लिए सही लगा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इस ढक्कन को वापस यहां पे लगा देना है, स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। ये बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसको ध्यान से याद करके सही करना है। ये प्रॉपर ये बैठ गया। अब इसके बाद इसमें ये प्लग लगाते हैं, पावर प्लग। फिर कीबोर्ड में ये लाइन करते हैं। इसके बाद कीबोर्ड को ऑन करते हैं। कीबोर्ड ऑन होने के बाद ये आपका रीड करने लगेगा सारा कुछ। जब ये सारा रीड करने लगेगा तो ये प्रॉपर वे में ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक करने के लिए अब यहाँ पे फैक्ट्री सेट है, फैक्ट्री सेट ये कंपनी के द्वारा बने लोकल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल ये सब आ जाता है डाटा। अब इसको
स्टार्ट करते हैं। पल में रिदम में जाते हैं। सारा इंडियन टोन इसमें आ गया। इसी तरह भजन है। कार्ड को इंस्टॉल करते हैं तो सारा इंडियन रिदम और इंडियन टोन ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। आपको फॉर्मेट करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि कंपनी ने इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल और फॉर्मेट करके दिया हुआ है। धन्यवाद।